हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है धीरेन के ब्लॉग से एक नई वीडियो में। आज मैं आया हूँ दोस्तों गांव, और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ गांव की गौशाला। आज मैं लेके चलूंगा आपको गांव की गौशाला, देखेंगे आखिर क्या है वहाँ पे खास, किस तरह से वो गाय की केयर कर रहे हैं और क्या प्रोडक्ट्स वगैरह वहाँ पे बन रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। मेरे साथ में आज उन्नयन, ये देखिए, हेलो, और हम ट्राइपॉड भी आज लेके जाएंगे, पूरा लगाएंगे वहाँ पे, ट्राइपॉड लगा के पूरा शूट करेंगे, बिल्कुल एक एक चीज आपको दिखाएंगे गौशाला के बारे में। तो भाई वीडियो पूरा देख लेना, लाइक कर देना, ज्यादा ज्यादा शेयर करना, और धीरेन के ब्लॉग्स पे नहीं अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट मत करो यार, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, पास में जो बेल आइकन उस पे दे मारो ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो, चलते हैं गौशाला के लिए। ये हमारे गाँव का घर उन्नयन के साथ, जहाँ पे गाय सारी रहती है, और ये देखिए इस तरफ से सारी गाय यहाँ से आ रही है। यहाँ देखिए इसके अंदर गाय का जो चारा है वो सारा इनमें रखा जाता है, आप देखेंगे पूरा इस तरह से इनके अंदर रखा जाता है। इसके अलावा इस तरह से यहाँ पे इन्होंने डिवाइड कर रखा है पूरा, इस तरफ आप देखेंगे तो ये देखिए पीछे की तरफ, पीछे की तरफ अलग पोर्शन है, यहाँ पे देखिए इस तरफ चारों तरफ से यहाँ पे, मतलब इस तरह से ताकि वो चारे की कोई कमी नहीं हो, इसलिए सब तरफ से डिवाइड करके उसके बाद में, और पानी की व्यवस्था वो सारी बाहर की तरफ करी गई है ताकि अगर अंदर यहाँ पे गाय वगैरह है तो एक तो कीचड़ ज्यादा फैलता है,
इसके अलावा भी काफी प्रॉब्लम आती है, इस वजह से सारी चीजें पानी की व्यवस्था वहाँ, बाकी खाने की व्यवस्था कम नहीं हो चारा वगैरह की, इसलिए अलग अलग यहाँ पे इस तरह से डिवाइड कर रखा है। बागचंद भैया है, बागचंद कुमावत एज ए मतलब मेरे बड़े भाई की तरह है, और ये बताएंगे कि यहाँ अलग से व्यवस्था इधर इस तरह से क्यों की गई है, वहाँ पे इस तरह से क्यों की गई है। यहाँ पर जो गैबन बछड़ियाँ होती है, जो ब्याने से तीन यानी कि जन्म लेने से तीन वर्ष तक की जो बछड़ियाँ होती है उनके लिए ये व्यवस्था की गई उनके लिए है, ताकि क्योंकि वो बड़ों के साथ में जितना मुझे लग रहा है कि बड़ों के साथ में वो कंफर्टेबल नहीं हो पाती, वहाँ खा नहीं पाएगी चारा, शायद इसलिए उनके लिए अलग से व्यवस्था है ताकि वो इजीली यहाँ पे खा पाए, चारे की कोई कमी ना हो कि भाई प्रॉब्लम आ रही है वहाँ खाने में, इस वजह से अलग से व्यवस्था की गई है। उनको बार बार जैसे कोई बांट की सब चीजों की व्यवस्था करने में इसमें क्या तकलीफ नहीं रहती है, अगर बड़ी गायों के साथ में रहेगी तो इजी वो पहुंच भी जाती है, मतलब वो छोटी भी रहती है हाइट में तो इस वजह से इजीली वो यहाँ पहुंच भी जाती है। इसके अलावा इसको बनाया गया है, इसके अलावा आप देखेंगे अलग से यहाँ पे एक मुर्गा भी है, मतलब पूरी गौशाला में मुर्गा भी यहाँ पे दिख रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पे गौशाला में आके मुर्गे का क्या काम, क्यों मुर्गा यहाँ पे रखा गया है, क्या यहाँ पे कोई मुर्गी फार्म भी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बारे में भैया ही बताएं कि आखिर यहाँ पे मुर्गा क्यों है। मुर्गा इसलिए रखते हैं कि जो गाय माताओं को जो चीचड़े लगते हैं वो चीचड़े मतलब कितनी दवाइयां लगा लो लेकिन वो चीचड़े हटते नहीं है, चीचड़े डायरेक्ट कीड़ा टाइप कीड़े टाइप के होते हैं, वो शायद गाय खून चूसते हैं, खून चूसते हैं, उसके लिए मुर्गा रखा गया है, ये चीचड़े को डायरेक्ट खा जाता है। तो ये कैसे बॉडी से थोड़ा खा जाता है या फिर कैसे नीचे गिरता है? नहीं, जब गाय माता बैठती है ना तो उनके पास में आ जाते हैं, जैसे जैसे उनको मिलते हैं के खाते हैं। दोस्तों देखो कितना मतलब अच्छा तरीका है कि वहाँ पे जो कीड़े एक तरह से लग जाते हैं जो उनका खून चूसते हैं गाय का, तो उसके लिए यहाँ पे अलग से रखा गया है ताकि ये क्या करता है उनको खा जाता है, तो इसलिए यहाँ पे इसको रखा गया है। तो ऐसा नहीं कि मुर्गी पालन वगैरह, ये केवल गौशाला है और उसमें काफी चीजें और भी बहुत सारी बेहतरीन चीजें उन्होंने कर रखी है, वो भी मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा, क्या प्रोडक्ट से बना रहे हैं, किस तरह से ये कर रहे हैं और किस तरह से मतलब हमारा लक्ष्य है कि आगे से आगे और लोग भी इनको खरीदे, इस तरह की चीजें खरीदे ताकि एक तरह से जो आत्मनिर्भर भारत है उसको हम बढ़ावा दे सकें।